हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज जो है बिहार बोर्ड ट्वेल्थ का रिजल्ट दोस्तों यहां पे जारी कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि देख सकते हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी इस पर बहुत बड़ी संख्या में रिजल्ट आया दोस्तों। देख सकते हैं बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2020 लाइव अपडेट, बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट में 80.44% जो है स्टूडेंट पास रहे, यानी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दोस्तों। यहाँ पे बिहार बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखने को मिला, देख सकते हैं टॉपर का लिस्ट भी जारी कर दिया गया है दोस्तों। देख सकते हैं कुछ इस तरीका से टॉपर का लिस्ट है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ है दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हैं टॉपर का लिस्ट पूरा यहाँ पे जारी कर दिया गया। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों बिहार में यहाँ पे आर्ट साइंस एंड कॉमर्स तीनों बैकग्राउंड में दोस्तों टॉपर्स का लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टॉप 5 स्टूडेंट सभी स्ट्रीम के दोस्तों, कौन कौन स्टूडेंट जो है टॉप किए हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस वर्ष यहाँ पे दिखने को मिला है। देख सकते हैं यहाँ पे सभी का जो है अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट दिखने को मिला है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताया गया है कितना कितना स्टूडेंट जो है यहाँ पे पास हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं टॉपर्स का लिस्ट। तो देख सकते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड में यहाँ पे साक्षय कुमारी दोस्तों, चंद्रभूषण प्रसाद इनका फादर का नाम है, मदर्स नेम सीमा देवी, 474 नंबर ला करके फर्स्ट पोजीशन पे रहे दोस्तों। फर्स्ट रैंक जो है इन्हीं का है। आर्ट्स का टॉपर्स की बात करते हैं तो लड़की है साक्षय कुमारी, ठीक है। रिजल्ट चेक करने के लिए दोस्तों रिजल्ट लिंक आपको बता सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं http://onlinebscb.in या फिर biharboardonline.bihargovernment.in, ये दोनों में से कोई एक वेबसाइट पे जो है जाकर के अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे टॉपर्स का लिस्ट हम लोग देख रहे हैं तो आपको और भी बताते हैं, मुकेश कुमार आर्ट्स में यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 470 अंक ला करके सेकंड पोजिशन पे है। सिम्फी कुमारी जो है इनको भी जो है 469 रैंक नंबर है, थर्ड पोजिशन पे है। रोहित पासवान इनका भी जो है दोस्तों आर्ट्स में चौथा नंबर पोजीशन है। ज्ञानोदय कुमार दोस्तों इनका भी चौथा पोजीशन है आर्ट्स में। पूजा कुमारी का भी चौथा पोजीशन, नवीन कुमार का भी चौथा, अवधेश कुमार का भी यहाँ पे दोस्तों पांचवा पोजीशन है, नवीन कुमार का पांचवा पोजीशन है। टॉप 5 हम लोग वैसे स्टूडेंट को देखें जो साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं दोस्तों, टॉपर्स यहाँ पे है। कॉमर्स की जहां तक बात करते हैं, कुसार फातिमा ये भी जो है, कुसार फातिमा यानी कहने का मतलब दोस्तों इस वर्ष का बिहार ट्वेल्थ का रिजल्ट में गर्ल्स लोग ने बाजी मारी है दोस्तों। ज्यादातर जो है तीनों में जो है टॉपर्स गर्ल्स लोग ही है। तुषार फातिमा ये दोस्तों 476 अंक ला करके फर्स्ट पोजीशन पे कॉमर्स में। कॉमर्स में और भी है, सुधांशु नारायण चौधरी 476 अंक ला करके फर्स्ट पोजीशन पे है। कॉमर्स में ब्यूटी राज जो है दोस्तों इनका भी 474 नंबर है, फर्स्ट यहाँ पे सेकंड पोजीशन है। राहुल कुमार का भी सेकंड पोजीशन 474 नंबर, कर्नल कुमार का भी सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन 473 नंबर, अमित कुमार का भी जो है दोस्तों फोर्थ पोजीशन 472 नंबर है। वही बात करते हैं कुणाल कुमार का 470 नंबर पांचवा पोजीशन, शबीबा परवीन इनका भी जो है 470 नंबर पांचवा पोजीशन, यशवंत राज का भी पांचवा पोजीशन 470 नंबर है दोस्तों। सौम्या कुमारी का भी देख सकते हैं पांचवा नंबर पे 470 नंबर इनका आया है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं साइंस बैकग्राउंड का। साइंस बैकग्राउंड में बहुत से स्टूडेंट जो है यहाँ पे टॉपर लिस्ट में है। देख सकते हैं यहाँ पे साइंस में नेहा कुमारी 476 नंबर के साथ फर्स्ट पोजिशन पे है। विक्की कुमार 476 नंबर के पास सेकंड पोजिशन पे है। जहांगीर आलम 474 नंबर ला करके सेकंड पोजीशन पे है। शिवम कुमार वर्मा 473 नंबर ला करके थर्ड पोजीशन पे है। मनीष कुमार जायसवाल 473 नंबर ला करके थर्ड पोजीशन पे है। नवीन कुमार 471 नंबर ला करके फोर्थ पोजीशन पे है। गौतम कुमार 471 नंबर ला करके फोर्थ पोजीशन पे है। अभिषेक सुमन 471 नंबर ला करके फोर्थ पोजीशन पे है दोस्तों। वही उज्जवल कुमार जो है 471 नंबर ला करके फोर्थ पोजीशन पे है। किशन कुमार 471 नंबर फोर्थ पोजीशन, किशन कुमार एक और है दोस्तों, इनका भी 471 नंबर फोर्थ पोजीशन।
सुशील कुमार गुप्ता 470 नंबर फिफ्थ पोजीशन, श्रेया कुमारी 470 नंबर फिफ्थ पोजीशन, अंकिता कुमारी 470 नंबर फिफ्थ पोजीशन। हम लोग तीनों विषय में साइंस कॉमर्स आर्ट्स का जो है टॉपर्स का लिस्ट देख चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं और भी यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ आप लोग को, यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल यहाँ पे आपको दिखा दूँ। अभी जो साइट थोड़ा सा बिजी, ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिए, जो मैं अभी वेबसाइट बताया वहाँ से डायरेक्ट अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं दोस्तों। 80.44% स्टूडेंट जो है इस एग्जाम में पास हुए हैं, ठीक है। टॉपर्स का लिस्ट हम लोग वहाँ पे देख चुके हैं दोस्तों, और हम लोग यहाँ पे और भी आपको थोड़ा सा डिटेल्स में एनालिसिस कर दूँ। आपको देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में कुल 4,43,284 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, वहीं 4,69,439 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से पास हुए तथा 56,115 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी से पास हुए। टोटल की बात करते हैं दोस्तों, 80.44% यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है दोस्तों, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पे 1,283 केंद्रों पर ये जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, 3/2/2020 से 13/2/2020 के बीच हुआ था, जिसमें आज जारी परीक्षा में विज्ञान में नेहा कुमारी ने 476 अंक यानी 95.2% ला करके दोस्तों यहाँ पे पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। 476 अंक ला करके 95.2%। इसी का वाणिज्य संकाय में कौशर फरतिमा तथा सुधांशु नारायण चौधरी ने कुल 476 अंक ला करके 95.2% प्राप्त करके पूरे राज्य में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। वही बात करते कला संकाय में साक्ष्य कुमारी ने 474 अंक ला करके 94.4% प्राप्त कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और आपको परीक्षा का एक नज़र आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे परीक्षा, वार्षिक परीक्षा 2020 में विज्ञान में इतना 5,05,467 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 3,56,042 छात्र था, 1,49,425 छात्र आए थे दोस्तों। और आपको ये भी पता होगा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 में विज्ञान संकाय में 2,24,971 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से, 1,52,471 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से तथा 3,3601 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण रहे दोस्तों। इस प्रकार विज्ञान संकाय में कुल 3,91,199 विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए, जो इस संकाय की परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों का 77.39% है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों वाणिज्य संकाय का परीक्षा फल का क्या रहा इस वर्ष। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 में जो है यहाँ पे 71,004 विद्यार्थी शामिल हुए, जिसमें 47,060 छात्र थे और 23,944 छात्र आए थे। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 में वाणिज्य संकाय में कुल 43,296 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से, वही 20,514 द्वितीय श्रेणी से, 2,401 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी से। इस प्रकार वाणिज्य संकाय में कुल 66,215 विद्यार्थी शामिल हुए, जो इस संकाय परीक्षा सम्मिलित परीक्षार्थियों का 93.26% रहा है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कला संकाय में, तो कला संकाय में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 में कुल 6,28,363 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें कुल 2,53,199 छात्र और 3,75,164 छात्र आए थे। इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में कला संकाय में 1,75,017 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से, 2,86,454 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से, 50,113 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार कला संकाय में कुल 5,11,745 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए दोस्तों, जो इस संकाय की परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी का 81.44% था, यानी कहने का मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस वर्ष आया दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा पूरे देश भर में 12,05,390 विद्यार्थी शामिल हुए थे, और इसके लिए प्रदेश भर में 1,283 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पटना जिला की बात करें तो 71,283 परीक्षार्थी और 82 केंद्र बनाए थे। हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे दोस्तों बनाया गया था इस एग्जाम को लेकर के, कदाचार अच्छे तरीका से रिजल्ट हुआ दोस्तों, जिसमें यहाँ पे सभी हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से स्ट्रीम में कितना कितना जो है पास हुए हैं।
यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि 3 फरवरी 2020 से 13 फरवरी 2020 तक एग्जाम चला था, जो कि पिछले 8 संकाय में इतना पिछले साल जो पास हुआ था दोस्तों, जिसका कुछ यहाँ पे विश्लेषण दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इस वर्ष पूरा विश्लेषण देख लिए दोस्तों। ये जो है प्रीवियस एग्जाम का विश्लेषण दिया गया है। हम लोग यहाँ पे जो है कला संकाय, वाणिज्य संकाय और वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय, तीनों संकाय में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कितना कितना स्टूडेंट पास हुए हैं। टॉपर्स का भी हम लोग लिस्ट चेक देख चुके हैं। आप लोग रिजल्ट के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट जाएं और वहां से ऑफिशियल वेबसाइट से जो है रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, और अदर ऑफिशियल वेबसाइट ये है। ठीक है, और आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो है आप लोगों के लिए बिहार का देख सकते हैं दोस्तों, ये एजुकेशनल चैनल, और यहाँ पे बिहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लासेस हमेशा चलाया जाता है। 950+ एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड हो चुके हैं दोस्तों, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रेलवे, SSC, JEE, SSC, DRDO, MTA से सभी का लाइव क्लासेस हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेहतर लगा होगा, तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।